What's up everyone? Welcome back to the channel guys. आज हम लोग fundamentals को आगे बढ़ाएंगे और बस दो ही classes लगेंगी हमारी और basics पे आज की. आज हम interest on drawings करेंगे और एक capital account वाली. फिर हम questions ही questions करेंगे और chapter हमारा almost ending पे चला जाएगा. ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें बची नहीं हैं. Right? तो आज जो आप heading डालने वाले हो वो डालने वाले हो interest on drawings. बहुत अच्छे तरीके से इसके मैं आपको आज basics करा दूंगा ताकि आपके बेसिक्स देखो जितने स्ट्रांग होंगे ना. मुझे कुछ बच्चे कह रहे थे सर जल्दी करना है. बेटा देखो जल्दी नहीं करो. अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितने आराम से सुकून से करोगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. और 11th और 12th की अकाउंटिंग में ना बहुत फ़र्क है ना, बहुत फ़र्क है. 11th में बहुत कम कॉन्सेप्ट्स थे, यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. तो प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है, मेहनत आपको बहुत करनी है एंड मैं सब कुछ टाइमली करा दूंगा. तुम लोग टेंशन मत लो. जिन बच्चों के कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं ना बहुत ही जल्दी होती है स्कूल वालों को, बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, बहुत जल्दी यूनिट टेस्ट रखेंगे, तो मैंने ऑलरेडी सब पढ़ाया हुआ है. लास्ट ईयर वाली प्ले लिस्ट से अपने टेस्ट दो, पूरे पूरे नंबर आएंगे उसमें भी. ठीक है, मुझे एक बढ़िया तरीके से पढ़ाने दो क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चों को यही है इस तरीके से कराना है. वो तुम्हें नहीं पता बट मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है. राइट, तो चलो शुरू करते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को बहुत शानदार तरीके से सीखते हैं. लेट्स बिगिन. चलो यार, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है? देखो फटाफट से मैं आपको एक बार शॉर्ट में क्विक रिव्यू दे दूं. P&L appropriation के बारे में हमने चीज़ें सीखी है ना. इधर सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट लिया, फिर फर्म को पार्टनर से इंटरेस्ट मिलता है. फर्म को पार्टनर से इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि पार्टनर ने पैसा विड्रॉ करा है तो उस पर वो इंटरेस्ट देंगे, उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलते हैं. ये हम आज सीखने वाले हैं. ठीक है, इधर क्या क्या आया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस पर ऑलरेडी डिस्कशन हो गया. पार्टनर का सैलरी बोनस कमीशन हमने डिस्कशन कर लिया. रिजर्व का ट्रीटमेंट बड़े क्वेश्चंस में आ जाएगा. फिर प्रॉफिट आ जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट. तो ये पूरा का पूरा P&L अप्रोप्रिएशन आज हमारा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सीख के हो जाएगा खत्म. ठीक है, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आओ सर, बहुत ही आसान है बच्चों. देखो सीधा सीधा आप सबसे पहले लिखो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो तरीके की होती है. एक तो होती है हमारे पास रेगुलर ड्राइंग्स, एक होती है इरेगुलर ड्राइंग्स. एक रेगुलर होती है बच्चों, एक इरेगुलर होती है. ठीक है, रेगुलर का क्या मतलब होता है? रेगुलर का मतलब होता है सेम ड्राइंग्स एंड सेम टाइम पीरियड. इसका मतलब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इंडिविजुअल पार्टनर जो है 1000 रुपए निकालता है हर महीने, तो देखो हर महीने 1000 ही निकाल रहा है और एक एक महीने के बाद सेम टाइम पीरियड सेम ड्राइंग, इसको रेगुलर बोलते हैं. इरेगुलर कब होता है? डिफरेंट ड्राइंग्स, अलग अलग अमाउंट की ड्राइंग, कभी 1000, कभी 2000, कभी 5000, कभी 4000 एंड डिफरेंट टाइम पीरियड. तो अगर अलग अलग ड्राइंग्स करी गई हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे तो उसको इरेगुलर बोलते हैं. रेगुलर किसको बोलते हैं? सेम को. अब देखो यहां पे कौन कौन सा मेथड चलता है? सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एक होता है ATP मेथड. ATP का मतलब होता है बच्चों एवरेज टाइम पीरियड मेथड. फुल फॉर्म लिख लेना, एवरेज टाइम पीरियड मेथड. तो हम लोग इसके अंदर तीन मेथड लगा सकते हैं, सिंपल, प्रोडक्ट या एवरेज टाइम पीरियड. हम लोग लगाएंगे क्या? ये तीनों से आंसर सेम आएगा लेकिन हम ये लगाएंगे. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है जब अलग अलग होती है तो इसमें दो ही मेथड लगते हैं, या तो सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड. जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे. ओके, लेकिन सिखाऊंगा मैं आपको तीनों. मैं आपको सिंपल भी सिखा रहा हूं, मैं आपको प्रोडक्ट भी सिखा रहा हूं, मैं आपको ATP भी सिखा रहा हूं. लेकिन अगर इरेगुलर होगी तो आप प्रोडक्ट यूज करोगे फर्दर चैप्टर में, रेगुलर होगी तो आप एवरेज टाइम पीरियड यूज करोगे. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों पहले ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट एक जगह हो जाए. ओके डन. चलो भाई अब इरेगुलर सीखना चालू करो. हेडिंग डालेंगे इरेगुलर ड्रॉइंग्स, इरेगुलर ड्रॉइंग्स. सपोज आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, द ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर एक्स इज
गिवन बिलो। एक पार्टनर एक्स है, उसकी ड्राइंग्स दी हुई हैं, ठीक है। कब कब निकाला उसने पैसा? सबसे पहले 1 अप्रैल पे निकाल लिया, लेट सपोज 20,000 रुपये। फिर उसने 1 सितंबर पे निकाल लिया 8,000 रुपये। फिर उसने 31 दिसंबर पे निकाला 14,000 रुपये। उसके बाद फिर उसने 1 फेब को निकाला 15,000 रुपये। और उसके बाद फिर उसने 31 मार्च को विड्रॉ करा 20,000 रुपये। ऐसे आपको उसकी ड्राइंग्स दी हुई हैं। आपको बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर एक्स एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, ठीक है। और ये सारा का काम इसी साल का है, 2023 अप्रैल 1, 2023 2024, तो ये 2023-24 का ही हम काम कर रहे हैं, ये सारा का 2023-24 का ही हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, इररेगुलर ड्राइंग्स हैं, अलग अलग उसने 5 बार पैसा निकाला है, तो इसमें या तो आप सिंपल मेथड लगा सकते हो या प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हो। अब सर सिंपल और प्रोडक्ट है क्या, सिखाओ तो, बात तो आप कर रहे हो, आओ। देखो बच्चों, सिंपल क्या होता है, जितनी बार विड्रॉ करा उतनी बार आप सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लो। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो हमारा कौन सा ईयर है, ईयर हमारा स्टार्ट हुआ अप्रैल में, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गए जी। अब देखो सबसे पहले इसने पैसा कब निकाला, इसने पैसा निकाला 1 अप्रैल को, यहाँ पे 1 अप्रैल, यहाँ 1 अप्रैल को उसने पैसा निकाला कितना, 20,000 रुपये। अब देखो बच्चों, इसने शुरू में ही निकाल लिया तो यहाँ से यहाँ तक पूरे साल का इंटरेस्ट बैठता है, पूरे 12 महीने का ब्याज बैठता है। अगर आप किसी बैंक से 1 अप्रैल को लोन लेते तो यहाँ पे बैंक आपसे पूरे साल का ब्याज लेता है नहीं लेता, वही सेम केस है। उसके बाद इसने कब निकाला, 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर आ गया यहाँ पे बच्चों देखो, तो पहले वाले में तो 12 महीने का बैठता है पूरा, अब सितंबर में निकाला तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 महीने का इंटरेस्ट बैठता है। ऐसे ही 31 दिसंबर को निकाला, तो आप हर बार टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेट करके दोगे, तो आप बोलोगे सबसे पहले तो 20,000 पे 10% और पूरा साल 12 महीने, ठीक है। फिर 8,000 पे 10% और कितने महीने, देखो सितंबर से काउंट करो, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 7 महीने ये हैं, 7 महीने का इंटरेस्ट। फिर 14,000 पे 10%, ये इसने 31 दिसंबर को निकाला, 31 दिसंबर का मतलब बच्चों दिसंबर ख़त्म हो चुका है, तो दिसंबर ख़त्म हो गया तो जैन फेब मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट बैठेगा। उसके बाद 1 फेब यानी फेब के शुरू में 2 महीने का ब्याज बैठेगा, 15,000 पे 10% और 2 महीने। फिर इसने 31 मार्च पे निकाला, 31 मार्च मतलब जब ईयर एंड हो गया, तो बच्चों देखो अगर ईयर ही एंड हो गया तो यहाँ पे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं बैठेगा, तो हम लिखेंगे 20,000 पे 10% और 0/12, तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो हो गया, कोई ब्याज बैठेगा ही नहीं भाई, लास्ट डे है ना। तो बाकी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, चलो जल्दी जल्दी से, 20,000 पे 10% ये तो सिंपल है, 2,000 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, 8,000 पे 10% 7/12 466.66, तो 467 लिख रहा हूँ मैं। 14,000 पे 10% 3 महीने, 14,000 पे 10% 3 महीने 350। उसके बाद 15,000 पे 10% 250 रुपये, ये आ गया जी, ठीक है। टोटल कर दो, 2,000 प्लस 467 प्लस 350 प्लस 250, 3,067 हमारा आंसर है,
3067 बच्चों देखो हमारा आंसर है। तो एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली जितनी बार पैसा निकाला गया उतनी ही बार आप लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते चले जाओ बिना किसी भी स्ट्रेस के, बिना किसी भी टेंशन के। जितनी जितनी बार पैसा निकाला उतनी उतनी बार आप ये काम करते रहो, तो स्ट्रेस फ्री आप आसानी से इसको कर पाओगे। ओके, अब सिंपल मेथड का मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको खुद से करके देखना है। अब आप मिस्टर वाई का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल के 5% पर एनम के हिसाब से, ये 10% पर एनम था, आप मुझे 5% पर एनम के हिसाब से सिंपल मेथड से कमेंट्स में आंसर बताओगे। ठीक है, लो जी, सबसे पहले अप्रैल 1 पे, सितंबर 30 पे, फिर नवंबर 30 पे, फिर दिसंबर 31 पे, फिर फेब 1 पे और फिर मार्च 1 पे। यहाँ पे 10,000 निकाले, यहाँ पे 20,000 निकाले, यहाँ पे 15,000 निकाले, यहाँ पे 18,000 निकाले, यहाँ पे 24,000 निकाले और यहाँ पे 22,000 निकाले। लो जी, सिंपल मेथड से आप पहले इसको करके देखोगे। ठीक है, सही है, ये आपका होमवर्क है। मिस्टर वाई का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% पर एनम के हिसाब से आप निकाल के दोगे। ओके, आप देखो ये सिंपल मेथड आप समझ गए बच्चों, सही है। प्रोडक्ट मेथड में क्या करना होता है, प्रोडक्ट मेथड में एक टेक्निक लग जाती है छोटी सी। देखो इसका आंसर लिख के रहने दूंगा बस मैं, बाकी अब हम इसको प्रोडक्ट से निकालने की कोशिश करेंगे। देखो प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे ये डेट हो गई इसकी, ये अमाउंट हो गया, आपको सिंपली यहाँ पे टाइम पीरियड लिखना है। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टाइम पीरियड। अब सर टाइम पीरियड कैसे लिखेंगे मुझे बताओ बच्चों, अप्रैल से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए, 12 महीने। यहाँ पे सितंबर से, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 7 महीने, 31 दिसंबर से 3 महीने, 1 फेब से 2 महीने और 31 मार्च से 0 महीने, ये 0 हो गया, सही है। इसी तरीके से हमने पहले किया था। अब आपको सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा 12 × 2 = 24, 240,000, 8 × 7 56, 56,000, 14,000 × 3 बताओ जी फटाफट से 14 × 28 = 42, 42,000, उसके बाद 15,000 पे 2 30,000 और 20,000 पे 0 तो 0। अब इसका सम कर दो, आपके पास टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा 240 + 56 + 42 + 30, ये आ गया हमारे पास 368,000। ठीक है, अब देखो बच्चों प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले समझे क्या करना है, टाइम पीरियड लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट मेथड में एक छोटा सा फॉर्मूला चलता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। 1/12 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने पूरे साल का प्रोडक्ट करा हुआ है, तो हम एवरेज लेंगे उसका। ठीक है, तो क्या बनेगा, टोटल प्रोडक्ट इज 368, रेट है 10% एंड दिस 1/12 इज कॉन्स्टेंट, हमेशा यही रहेगा। प्रोडक्ट मेथड में आपको हमेशा 1/12 लगाना है, तो 368 का 10% 1/12 कितना आता है, 368 का 10% इंटू 1/12 3067 आंसर आ रहा है। देखो सिंपल, पहले भी 3067 ही आ रहा था, अब भी 3067 आ रहा है। पहले फर्क ये था कि इस तरीके से फॉर्मूला 5 बार लगाना पड़ा था, जितनी बार विड्रॉ करा उतनी बार कैलकुलेट करो। प्रोडक्ट में आप बच जाते हो, प्रोडक्ट में आप क्या करते हो, बस टाइम पीरियड लिखा, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला और फिर हमने एक ही फॉर्मूला लगाया, बस टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक हो गया बेटा, सही है। अगर कहीं भी अटको तो दोबारा देखना इस पार्ट को पीछे करके। अब यही वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया, यही वाला क्वेश्चन ये आप सिंपल मेथड से भी करोगे और प्रोडक्ट मेथड से भी करोगे। प्रोडक्ट में मैं आपको टाइम पीरियड का हिंट दे दूं एक बार, आ जाओ देखो, ये अमाउंट हो गया टाइम पीरियड, एक अप्रैल से पूरा साल 12 महीने आ जाएंगे। यहाँ पे सितंबर 30 से 31 मार्च, बच्चों सितंबर 30, सितंबर खत्म हो चुका है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीने, नवंबर 30 में नवंबर खत्म हो चुका है, दिसंबर जैन फेब मार्च 4 महीने, दिसंबर खत्म हो गया 3 महीने, फेब 1
दो महीने, मार्च 1 एक महीना, तो ये हमारा टाइम पीरियड रहेगा बच्चों। प्रोडक्ट मेथड में क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर उसका यहाँ पे टोटल कर लेना, फिर फॉर्मूला लगाना आईओडी का, सम ऑफ प्रोडक्ट, जो भी सम आएगा प्रोडक्ट का, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। सीधा आंसर 1/12 हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आप सिंपल मेथड से भी कर रहे हो ये क्वेश्चन, प्रोडक्ट मेथड से भी कर रहे हो। दिस इज हाउ हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते हैं बच्चों, जब ड्रॉइंग्स इररेगुलर होती हैं। देखो डिफरेंट ड्रॉइंग्स डिफरेंट पीरियड पे, सिंपल भी सिखा दिया, प्रोडक्ट भी सिखा दिया, बट प्रोडक्ट इज टाइम सेविंग, तो हम प्रोडक्ट यूज करेंगे। अब आ जाओ रेगुलर पे। सर रेगुलर का क्या मतलब है? रेगुलर का मतलब है कि अगर कोई एक पार्टनर लगातार पैसा निकाल रहा है सेम पर्टिकुलर ड्रॉइंग्स और सेम टाइम पीरियड, तो फिर क्या करेंगे, सिंपल भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, और एवरेज टाइम पीरियड हम नया आप सीखने वाले हैं। आओ मैं आपको सिखाता हूं। देखो बच्चों, एक्स विड्रॉज ₹100 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2025, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 5% पर एनम। लो जी, आपको बोल रहा है एक्स निकालता है ₹100 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द ईयर एंडिंग 31st March, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 5% पर एनम। आओ सर देखो कितना पैसा निकालता है एक्स, बिगिनिंग यानी शुरू में, किसकी शुरू में, हर महीने की शुरू में, और ईयर एंडिंग क्या है 31st March, तो यहाँ पे क्या होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। याद है जी, हर महीने के शुरू में निकालता है, तो हर महीने की पहली तारीख डाल दूँ, अगर हर महीने के शुरू में निकालता है बच्चों तो हर महीने की पहली तारीख डाल दूँ, और ₹100 निकालता है। अच्छा सर ठीक है, तो 100 यहाँ निकालेगा, 100 यहाँ निकालेगा, 100 लो जी, इतना इतना विड्रॉ करता है। अब आप सिंपल मेथड लगा लो, या तो ₹100 पे 5% और 12 महीने, फिर 100 पे 5% 11 महीने, फिर 100 पे 5% 10 महीने, ऐसे करते करते 12 बार निकालना पड़ेगा, सिंपल मेथड। प्रोडक्ट में आप क्या करते हो, टाइम पीरियड लिख लो, ये अमाउंट है टाइम पीरियड, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने, 1 मई से 31 मार्च तक 11, जून से 10, फिर 9, फिर 8, ऐसे ही 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना। देखो यही आएगा टाइम पीरियड, कर दो मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट आ जाएगा 1200, 1100, 1900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, टोटल कर दो, सम ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं, 1200, 1100, 1100, 800, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 700, 800 78 आ गया बच्चों, 7800 हमारा टोटल आ रहा है। तो हम कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, 7800, 5% 1/12, 7800, 5% 1/12, ₹33 हमारे पास आंसर आ जाता है। कितना आंसर आ रहा है, ₹33, ठीक है, 7800 का 5% और 1/12, 33 बच्चों हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है।
तो देखो इस तरीके से हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो या तो सिंपल मेथड लग गया या प्रोडक्ट मेथड लग गया, 32.5 आ रहा है, मैंने 33 लिख दिया। अब सर ATP क्या है, व्हाट इज एवरेज टाइम पीरियड? तो देखो बच्चों, एवरेज टाइम पीरियड ना एक शॉर्टकट है। एवरेज टाइम पीरियड क्या है? एक शॉर्टकट है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ध्यान रखना, एवरेज टाइम पीरियड चलेगा कब? जब ऐसे ही होगा, सेम ड्राइंग्स होगी और सेम टाइम पीरियड होगा, तभी चलेगा और कहीं नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप बोलते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टोटल ड्राइंग्स। ध्यान रखना, मैं टोटल प्रोडक्ट नहीं बोल रहा हूं, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू रेट अपॉन 100। यार मैं एक सेकंड दोबारा चेक कर लूं, मैंने 5% ही लिया ना, हैबिट 10% की होती है बच्चों। 7800 इनटू 5% इनटू 1/12, हाँ सही है, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12। देखो ये चलता है, शॉर्टकट है, बहुत बढ़िया। टोटल ड्राइंग्स ले लो, रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12। एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलेगा सर? ATP कैसे निकलेगा? टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। पहला टाइम पीरियड प्लस आखिरी टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2। तो आप क्या करोगे, सीधा लिखोगे टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई? 100 रुपये हर महीने, तो 12 महीने की 1200 हो गई। 100 रुपये हर महीने है ना बच्चों, 12 महीने की 1200। रेट 5%, ATP एवरेज कैसे निकलेगा? पहला टाइम पीरियड प्लस आखिरी टाइम पीरियड डिवाइड बाय 2, 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 13/2, दैट इज 6.5। तो यहाँ पे चलेगा 6.5/12। देखो मैंने यही फॉर्मूला लगाया, टोटल ड्राइंग्स, रेट और ATP। ATP कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है। देखो सर क्या आंसर आएगा, 1200 पे 5% और ATP, 1200 पे 5% और 6.5/12, ये आ गया बच्चों 32.5, वही 33 आंसर। देखो कितना टाइम बचा इसमें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वहां पे तो फिर भी आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ा था ना, प्रोडक्ट निकाला, मल्टीप्लाई करके फिर फॉर्मूला लगा, ऐसे कर दो खत्म। लेकिन ये कहाँ चलेगा, जब ये सेम होंगे तभी चलेगा, समझे? तो ड्राइंग्स का टोटल करो, रेट अपॉन 100 जो भी रेट है, और ATP डिवाइड बाय 12। एक और सवाल लिखते आओ, फिर आपको होमवर्क दूंगा कुछ मैं आज, ठीक है? देखो क्या लिखेंगे, मिस्टर Y withdraws 500 at the end of each month, हर महीने के एंड में। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। लो बच्चों, मिस्टर Y 500 निकालते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये है। और हर महीने के एंड में 30, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 28, 31, लो जी, एंड ऑफ ईच मंथ हो गया, हर महीने का एंड हो गया, कितना निकालता है? 500। लो जी ये आ गया बच्चों, ठीक है, एंड ऑफ ईच मंथ 500 रुपये निकालता है। प्रोडक्ट मेथड से टाइम पीरियड निकालो, देखो ये डेट थी, ये अमाउंट था, टाइम पीरियड 30 अप्रैल से 31 मार्च, अप्रैल खत्म हो चुका है, 30 अप्रैल से 31 मार्च, तो अप्रैल तो खत्म हो गया, 11 महीने। फिर 31 मई से मई खत्म हो चुका है, 10, 9, 0, 31 मार्च से 31 मार्च विल बी 0, सही है ना? परफेक्ट, करो मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट 11 × 5 = 55, 5500, 5000, 4500, 4000, 3500, 3000, 2500,
2000, 1500, 1000, 500 और 0. करो इसका सम. कैसे निकलता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12. आओ जी करते हैं, टोटल प्रोडक्ट करते हैं. 5500, 5000, 4500, 4000, 3500, 3000, 2500, 2000, 1500, 1000, 500. 33,000. ये आ गया बेटा. तो 33,000 रेट इस बार था 10%, 1/12 कितना आएगा? 33,000 पे 10%, 1/12, 275 आंसर आ रहा है. देखो 275 आंसर आ रहा है, ठीक है. अब शॉर्टकट लगाएं एटीपी. एटीपी क्या बोलता है? एटीपी बोलता है टोटल ड्रॉइंग्स. या तो ये प्रोडक्ट लगा लेंगे, और एटीपी से कैसे निकलेगा? टोटल ड्रॉइंग्स, टोटल प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट तो करना ही नहीं है. टोटल ड्रॉइंग्स, रेट अपॉन 100 और एटीपी डिवाइडेड बाय 12. आओ सर, टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है? अगर 500 हर महीने है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 500 × 12, 6000 रुपए. रेट कितना है? 10%. एटीपी कैसे निकलेगा? पहले वाला प्लस आखिरी वाला डिवाइड बाय 2. 11 + 0.2, 11/2, दैट इज 5.5. तो ये आ गया बच्चों 5.5/12. तो हमारे पास क्या आएगा? 6000 पे 10%, 5.5/12. 6000 पे 10% इंटू 5.5/12. 275 आंसर आ रहा है बच्चों. देखो यहाँ से भी, यहाँ से भी 275 आ रहा था, यहाँ से भी 275 आ रहा है. सिंपल में तो बहुत ही देर लगेगी, तो आप सिंपल भी लगा सकते हो, प्रोडक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन एटीपी इज द वन जो आपका बहुत समय बचाएगा. समझ रहे हो? अभी एटीपी पे और भी चर्चा करेंगे कल. यानी मुझे लगता है एक क्लास हमें और लगाना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस आते हैं एग्जाम में. तो आप आज पहले होमवर्क लिखो. दो क्वेश्चन आपके पास पहले होमवर्क है ऊपर. एक सिंपल से करना है, प्रोडक्ट से करना है. दो क्वेश्चन और लिखो. क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स विड्रॉज 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, मिस्टर वाई विड्रॉज 1800 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. दोनों का ही इंटरेस्ट चाहिए मुझे. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम. लो बच्चों, ये आपके दो क्वेश्चंस और हैं होमवर्क में. तो मुझे कमेंट सेक्शन में आज सबके आंसर्स चाहिए. आंसर्स कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 1 उसको डाल देना, वो सिंपल प्रोडक्ट से सेम ही आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 इसको डाल देना, 3 इसको डाल देना. इनके आंसर्स आप मुझे बताओ, फिर देखता हूँ आपको कितने अच्छे से आईओडी समझ में आया. अभी अगली क्लास में भी हमें इसी की चर्चा करनी पड़ेगी, ताकि हमें बिल्कुल क्लैरिटी रहे और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ. ठीक है जी, आज के लिए इतना ही. मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में. टिल देन धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन. वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे. मेहनत लगती है तो आपका प्यार सहयोग ज़रूर चाहिए. तो लाइक करना मत भूलना, लाइक ज़रूर करना, शेयर करना सभी फ्रेंड्स तक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो. ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन.